Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. मैं हूं ज़िया अशरफ, बायोसेफ्टी एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर. एक रिसर्च सामने आई जिसमें उन्होंने बताया कि जो कोरोना वायरस है वो हीट सेंसिटिव है, मतलब जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना इजीली वो डीएक्टिवेट हो जाएगा. बिल्कुल ये बात ठीक है कि जितनी ज़्यादा हीट होगी या साबुन या दूसरी जो चीज़ें हैं वो इसको डीएक्टिवेट करती हैं, इसमें कोई दूसरे राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन बात यह आती है कि जब हम रिसर्च को गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है. फॉर एग्जांपल, जैसे अब बात हुई कि हीट जो है वो डीएक्टिवेट करती है वायरस को, तो यहाँ पे बहुत सारे मफरूजे सामने आ गए कि गर्मियाँ होंगी तो वायरस मर जाएगा, हो सकता है जैसे ही मौसम ठीक हो तो ये वायरस खुद से ही ख़त्म हो जाए. अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक वो कि वायरस जब इंसानी जिस्म के बाहर है, दूसरी चीज़ कि वायरस जब इंसानी जिस्म के अंदर है. अब मैंने मफरूजे सुने काफ़ी कि वो कहते हैं कि जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये वायरस मर जाता है. इंसान का जो अपना टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, वो तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. अगर इसी बात को हम जिस्म के अंदर अप्लाई करें तो फिर वायरस क्यों नहीं मर रहा, वो तो ऑलरेडी इंसान का जिस्म 37 डिग्री पे है. तो इस वजह से इस चीज़ को हमें दो मुख्तलिफ पहलुओं पर डिवाइड करना पड़ेगा. एक पहलू है कि वायरस जब जिस्म के बाहर है, दूसरा पहलू जब वायरस जिस्म के अंदर है. जब तो जिस्म के बाहर है तो इसमें कोई शक नहीं कि जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा या साबुन हम हाथ पे इस्तेमाल करेंगे तो उसे वायरस डीएक्टिवेट हो जाता है. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी डीएक्टिवेट हो जाएगा. दूसरी बात आती है इंसानी जिस्म के अंदर की. अब यहाँ पे वायरस को समझना ज़रूरी है. वायरस ऐसी चीज़ है जो खुद से अपना काम नहीं कर सकती. जब ये इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है, उसके बाद ये इंसान के ही जो खुलिए हैं, जो इंसान के सेल हैं, उनको ये इस्तेमाल करता है एज मशीनरी और फिर अपना काम करवाता है. तो जो 37 डिग्री है, ह्यूमन सेल्स हैं, वो इसके लिए आइडियल होस्ट का काम कर रहे हैं. मतलब क्या हुआ कि जब वायरस एक्टिव फॉर्म में हो, किसी सेल पे इसने ऑक्यूपाई कर लिया हो, तो 37 डिग्री इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है. उस पर ये अच्छी तरह से रेप्लिकेट करेगा, उस पर ये अपना काम एफिशिएंटली प्रोड्यूस करेगा. अब अगर तो वायरस जिस्म के बाहर है तो इसमें कोई शक नहीं कि वायरस जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डीएक्टिवेट होने के चांस ज़्यादा है. जो सरफेस पे वायरस अगर 18 घंटे रह रहा है तो हो सकता है वो उससे कम देर के लिए सर्वाइव करे. लेकिन जब एक वायरस इंसानी जिस्म के अंदर चला गया है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चाहे टेम्परेचर बाहर का 40 हो या 45 हो, इंसानी जिस्म का टेम्परेचर 37 ही रहना है और उस वायरस ने नहीं मरना. Until, unless, या तो आप इंसान को फ्राइंग पैन के अंदर डाल दें और उसको फिर बॉयल कर दें, यही हो सकता है फिर वायरस मारने का तरीका. तो इसलिए प्लीज इस तरह के मफरूजों पे ध्यान मत दें. ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है, रिसर्च को गलत अप्लाई करने वाली बात है. रिसर्च ये बात उसमें की गई थी कि जब वायरस जिस्म के बाहर होता है एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में, तो तब वो कितने टेम्परेचर पर कितनी देर सर्वाइव कर सकता है. जो इंसान का टेम्परेचर है वो सर्दी हो या गर्मी हो तकरीबन 37 रहता है. तो इस वजह से इस मफरूजे को हम ध्यान पे नहीं रख सकते कि गर्मियाँ होंगी तो ये वायरस जो है इंसानी जिस्म के अंदर से ख़त्म हो जाएगा. इंसानी जिस्म के अंदर से इसको या तो नेचुरल इम्यूनिटी, जो हमारी कुव्वत मुदाफ़त है, वो ख़त्म कर सकती है, या हो सकता है जो मेडिकेशन चल रही हैं उनका कुछ असर हो. लेकिन जो टेम्परेचर है उसका असर नहीं होगा. बजाय इसके कि आप इस चीज़ पर यकीन करें, इससे बेहतर है कि आप इस चीज़ पर काम ना करें. दूसरी बात वो भी बहुत अहम है, हम बात करते रहे हैं कि जो अल्कोहल है, जो सैनिटाइजर है, वो वायरस को मारता है. इसमें कोई दूसरी राय नहीं, ये बात ठीक है कि अल्कोहल और सैनिटाइजर वायरस को मारते हैं, साबुन भी वायरस को मारता है. फिर इस पे बहुत सारी खबरें हमने सुनी कि किसी पादरी ने अपने जो 50 लोगों को कहा, मुर्शिदों को, मुरीदों को कहा कि भाई आप ये डिटोल पी लें, उन्होंने डिटोल पिया, उधर ही उधर मर गए वो. इसके बाद फिर एक और जगह की खबर है, वहाँ पर अल्कोहल पिया उन्होंने तो वो उनकी भी डेथ हो गई. भाइयों और बहनों, यहाँ पे समझने की बात है, वायरस को अल्कोहल मारता है लेकिन इसको गलत अप्लाई तो नहीं करें. वायरस को अल्कोहल तब मारता है जब वो जिस्म के बाहर हो. अल्कोहल हो, साबुन हो, डिटोल हो, जब वो हमारे जिस्म से बाहर है वायरस, तब उसको मारेगा. अगर वायरस हमारी जिस्म के अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर है, सेल्स पे उसने ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है, तो अल्कोहल पीने से या डिटोल पीने से या इस तरह के काम करने से हम जो है अपने आप को जरूर मार सकते हैं, लेकिन वायरस को नहीं मार सकते. यहाँ पे मुझे एक कहानी याद आती है कि कुछ
एक लोग थे उनके बारे में मशहूर था वो कि वो बिल्कुल थोड़े से स्टूपिड है, तो उनका मुकाबला हो गया मच्छरों के साथ। उन्होंने कहा कि आज हमने मच्छरों के साथ मुकाबला करना है। वो गए बंदूकें लेके गए, मुकाबला किया, वापसी आए बड़े खुश खुश। लोगों ने पूछा भी क्या हुआ, उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, एक उन्हों का मार गया एक साडा मार गया। कैसे कि मच्छर उसके अपने ही बंदे के माथे पे बैठा हुआ था, उन्होंने गोली मारी तो उनका भी बंदा मार गया और मच्छर भी मार गया। तो अल्कोहल पीना या डिटोल पीना बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर आप उसको वायरस मार भी लेंगे लेकिन आप अपने आप को भी मार लेंगे। इसलिए बेहतर है कि इन तरह के मफरूजों पे ध्यान ना दें, साइंस को साइंस रहने दें, साइंस को साइंस समझें। ये जो मुख्तलिफ टोटके बता रहे हैं इससे इलाज होता है हो जाता है, उससे वायरस का इलाज होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल अपने साइंस पे तवज्जो दें और केयर रखें, अपनी केयर करें, अपनी फैमिली की केयर करें। जो चीज़ें उन्होंने एडवाइस की है, हुकूमत ने एडवाइस की है या WHO ने एडवाइस की है कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, एक दूसरे से फासला रखें, बाजार में ज़्यादा ना जाएं, रश वाली जगह पे ना जाएं, अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या जो है वो इस्तेमाल करें, तो इस तरह की चीज़ों को फॉलो करें बजाय इसके कि आप दूसरे टोटके फॉलो करने लग जाए। वायरस तो हमारे खून के अंदर है, जो ब्लड है, जो अल्कोहल है वो हमारे मेदे में जा रहा होगा तो डेफिनेटली वो हमारे बाद में लीवर में जाएगा और हमें किल करेगा। इस वजह से इस तरह के मफरूजों पर ध्यान ना दें और इस तरह की चीज़ों पर अमल ना करें। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला सबको बचाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान और दुनिया को इस वायरस से बचाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच।